जाए क्या? जाएंगे कि नहीं? जाएंगे रानी, हम वो जाएगा हमने माधव को खा, हम चल रहे रानी, मत जाइए, हम चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, लाली की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, आप प्लीज आ जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी हवेली में अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं? लाली को दिमागी शांति की जरूरत है जो उसे यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रही है। माधव, माधव, लीजिए छोटा पैसा। बहू जी, आप जो बड़का घड़ी का बैटरी लाने को दिए थे ना, उसमें से ई पैसा बचा है। हमसे बदला लेने के लिए तो माता को ऐसे अगवा की। देखो आज हम सब रिश्ता नाता भूल जाएंगे अगर हमारा बेटा नहीं मिला तो। पता कहाँ है माता? वो बैटरी मंगाए जरूर थे, बाकी घड़ी को हाथ भी नहीं लगाए। अरे तुम जैसी माई होने से तो अच्छा होता ना। क्या कर रही है? क्या कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ कोनो मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, बता दे रहे हैं। देखो कान खोल के सुनो रणविजय ठाकुर, हम ये हवेलिया में आपके कहने से नहीं आए हैं और ना ही आपके कहने से जाएंगे। सरपंच के खातिर आए। अच्छा तो इन्हें बोलेंगे हम लोग, मिलेंगे कर लीजिए काका। सबसे पहले तो बच्चा को ढूंढिए, बाद में ये सब पैसा हो जाएगा। आ गए बड़ा। माधव, हवेली से फोन आया था, क्या बात है? जी इंस्पेक्टर सिंह, मैंने ही फोन किया था। दरअसल बात यह है कि माधव हवेली से किडनैप हो गया। अच्छा, कहाँ गया होगा? माधव, 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 ए सत्यानाश, ये देखो, ये सब क्या माल? ये तो चना है जो बड़का ठाकुर खाते हैं। यहाँ कैसे बगरा पड़ा है? माई, ये चना तो माधव को भी बहुत अच्छा लगता है और अगवा होने के पहले भी वो चना ही खा रहा था। ये तो फिर तो यही होगा। माधव, 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 कौन लाया तेरे को यहाँ? कौन लाया माधव? अभी तुरंत है, कुछ कुछ खाया तू?